सो गाइस, अगर आप इजी पे का फ्री डिटेल आईडी लेकर एपीएस बिजनेस काटते हो तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको इजी पे का सच्चाई बताऊंगा। जहाँ पे इजी पे जो बताते हैं कस्टमर को जो 590 रुपीस में आपका फ्री आईडी को प्राइम में अपग्रेड करो तो आपको ये सारा बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पे आपका अर्निंग पहले से और भी ज्यादा होने वाला है। तो आज इस वीडियो में आपको लाइव बता दूंगा, सच में अगर आपका आईडी 590 रुपीस में प्राइम में अपग्रेड करो आपका अर्निंग सच में इंक्रीज होगा या नहीं, अगर इंक्रीज होगा भी तो कितना इंक्रीज हो सकता है, या फिर 590 रुपीस में आपका आईडी को अपग्रेड में कन्वर्ट करो तो आपको खास कर कुछ भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, एंड इस वीडियो को देने के बाद आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो आपके लिए ये आईडी 590 रुपीस में अपग्रेड करना सही होगा ना ऐसे भी फ्री में आप यूज करने में आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक इजी पे यूजर हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अगर आप कोई आदर्श एपीएस प्रोडक्ट को यूज करते हो एपीएस बिजनेस करने के लिए तो भी आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। इस वीडियो देने के बाद आप बिल्कुल सही डिसीजन ले सकते हो। अभी फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे मेरा वॉलेट में अवेलेबल बैलेंस है 40,788 रुपीस। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कौन सा डेट में मैं अपग्रेड किया था मेरा रिटेल आईडी को। इसलिए यहाँ पे जो आइकॉन है इस आइकॉन में क्लिक करना है, देन यहाँ पे सर्च करना है उसी डेट को जो डेट था 29 दिसंबर 2022, उसी डेट में मैं इसको अपग्रेड किया था। इसलिए डेट में मुझे चूज करना है 29 दिसंबर 2022, उसे ओके करना है एंड सर्च करना है। सो दोस्तों, देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है 29 दिसंबर 2022 में मेरा वॉलेट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो एडमिन डिडक्ट फंड अपग्रेड प्राइम रिटेलर, मतलब मेरा जो आईडी को प्राइम में अपडेट किया था इसलिए 590 रुपीस मेरा वॉलेट से डेबिट हो चुका है 29 दिसंबर 2022। एंड ये जो अपग्रेड किया था उस अपग्रेड करने से पहले मेरा जो अर्निंग किस प्रकार में होता है दोस्तों देख सकते हो। यहाँ पे जो मैं 7,000 रुपीस में विड्रॉल किया था जो कि बिल्कुल फ्री रिटेल आईडी में, जो कि 7 रुपीस मुझे कमीशन मिला था, क्योंकि 7,000 विड्रॉल में 7,007 रुपीस में क्रेडिट हुआ था तो 7 रुपीस मुझे कमीशन मिला था। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो 500 रुपीस में निकला, जहाँ पे सिर्फ मुझे 1 रुपीस मुझे कमीशन मिलता है एपीएस के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद आपको जब देखो यहाँ पे देखो जब 590 रुपीस में मैं प्राइम में अपडेट किया था उसके बाद ही मैं एक कस्टमर से 500 रुपीस में विड्रॉल किया था, जहाँ पे तो बेसिकली नॉर्मल लीडर की तरह मुझे तो 1 रुपीस मिला ही मिला है। शायद तो उसके बाद ICICI APS रिवार्ड्स बोलकर एक सेक्शन आ चुका है जहाँ पे मुझे अनदर 1 रुपीस मुझे ऐड हुआ था रिवार्ड्स के तौर पे। पहले देखो क्या था, 500 में सिर्फ 501 रुपीस ही मिला था, इसके बाद कोई भी रिवार्ड्स नहीं था। अभी देखो जब अपग्रेड किया था उसके बाद देखो मुझे 501 रुपीस तो मिला है, साथ ही एक और 1 रुपीस मिल चुका है, मतलब 500 रुपीस ओवरड्रॉ में मुझे कंपनी तरफ से 2 रुपीस का अर्निंग हो चुका है। उसके बाद कस्टमर से जो भी लूँगा वो तो अलग बात है, और भी आपको डिटेल में दिखा दूंगा। इसलिए मैं आज का जो रिसेंट डेट है वो डेट आपको बता दूंगा, इसलिए इसको सिलेक्ट करना है 23 में 1st जनवरी, ठीक है। 1st जनवरी 2023 को ओके कर दूंगा एंड सर्च कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो आज मेरा इस आईडी थ्रू 18 रिकॉर्ड्स हुआ था, जिसके अंदर देख सकते हो कितना मुझे रिवार्ड्स एक्स्ट्रा मिला था।
जो कि आईसीआईसीआई एपीएस से मुझे 1000 रुपीज़ निकला, जहाँ पे नॉर्मल 2 रुपीज़ कमीशन मिलता है वो तो मिला था, अनदर मुझे रिवर्स के तौर पे 2 रुपीज़ मिल चुका है। उसके बाद यह भी देख सकते हो 500 रुपीज़ में 1 रुपीज़ मिला था, अनदर 1 रुपीज़ मिला था, ठीक है। 1000 रुपीज़ में 2 रुपीज़ मिला था, अनदर 2 रुपीज़ मिला था, जो कि नॉर्मल रिटेल में पहले जो मुझे कमीशन मिलता है विड्रॉल में, उस ठीक डबल मुझे विड्रॉल में मिलता है। तो मेरे लिए इस फीचर्स बहुत ही अच्छा लगता है। आपको एक और मैं डिटेल में बताता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ मिला था ये इसी ट्रांजेक्शन का मिला था क्या किसी और का? यहाँ पे देखो जो ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगा हैशटैग ICW27C577911EA27491, ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है ऊपर में जो ट्रांजेक्शन आईडी है बिल्कुल सेम है। इसका मीन्स है एक ही ट्रांजेक्शन में मुझे एक्स्ट्रा 2 रुपीस मिल चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो से वो पता चल गया था अगर आपको 590 रुपीस में आपका फ्री रिल आईडी को प्राइम में अपग्रेड करो तो सच में आपका एपीएस विड्रॉल में एक्स्ट्रा आपका कमीशन दिया जा रहा है, वो भी लाइफ टाइम तक मिलेगा एंड हर ट्रांजैक्शन पर मिलेगा। एक और एक फीचर्स ऐड हुआ था जो कि स्कैन एंड पे। दोस्तों जब आपका आईडी फ्री में रहेगा तो आप मैक्सिमम स्कैन करके 5000 रुपीज़ ही मनी ट्रांसफर कर सकते हो, बट जब आईडी को प्राइम में अपग्रेड कर लेंगे तो आप एक ही स्कैन में 1 टाइम या 25,000 तक मनी ट्रांसफर करोगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ था इस आईडी को अपग्रेड करने में। यहाँ पे तो देख सकते हो ई गवर्नेंस सर्विस, जिसके अंदर NSDL पैन कार्ड का सर्विस कंपनी ने बोला था कि अगर आपका आईडी प्राइम में कन्वर्ट करो अपग्रेड करो तो आपको NSDL पैन का सुविधा मिलेगा। बट दोस्तों NSDL पैन में क्लिक किया तो ये पे देखो सर्विस कमिंग सून, मतलब अभी तक EGP में NSDL का पैन कार्ड का कोई भी सर्विस स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अगर अभी इस लालच में अगर प्लान को अपग्रेड करो तो बिल्कुल फंस जाओगे, क्योंकि NSDL में अभी तक कोई भी चालू नहीं हुआ था NSDL पैन कार्ड का। उसके बाद और भी थोड़ा नीचे आना है क्योंकि यहाँ पे नियो बैंकिंग सर्विस आपको मिल चुका है अगर आपका आईडी को अपडेट करोगे, जिसके अंदर डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन और क्रेडिट कार्ड का सर्विस मिल जाता है। इसको एक बार चेक कर लेता है, इसलिए जो बैंक अकाउंट का ऑप्शन है अर्न अप टू 550 रुपीज़, इसमें क्लिक करना है। तो इसके अंदर देखो बहुत सारा बैंक अकाउंट जुड़ा है जो कि आप अकाउंट को ओपन करा सकते हो कस्टमर के लिए, उसके लिए अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर आपका आईडी फ्री में है तो ये ओपन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यह भी देखो एक्सिस बैंक करंट अकाउंट देखता हुए काम करता है या नहीं, जहाँ पे एक एक अकाउंट ओपन करने में 550 रुपीज मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक किया था, दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे nova.axisbank.com बोलकर एक और एक साइड में रीडायरेक्ट कर दिया था, जहाँ से आप एक्सिस बैंक का करेंट अकाउंट जीरो बैलेंस का ओपन कर सकते हो, खुद के लिए भी ओपन कर सकते हो या फिर कस्टमर के लिए भी अकाउंट ओपन करा सकते हो। अगर आप पूरा की पूरा टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तो पार्ट अकाउंट ओपनिंग में आपको 550 रुपीज़ मिल जाएगा। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप का ज़्यादा से ज़्यादा APS विड्रॉल होता है एंड आप इस तरह से बैंक अकाउंट ओपन करके अर्निंग करना चाहते हो तो आपके लिए 1 टाइम 590 रुपीज़ पेमेंट करना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा, जो कि आपका अर्निंग ही आपका 5 गुना ज़्यादा होने वाला है। उसका डीमैट अकाउंट अगर इसको भी ओपन करो, इसके अंदर बाजार सिक्योरिटीज, अपस्टॉक डीमैट अकाउंट एंड एंजल डीमैट अकाउंट भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करके भी आप अर्निंग करा सकते हो। उसके बाद है लोन एंड क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर भी आपका 3 लोन एंड क्रेडिट कार्ड का सर्विस मिल जाएगा, जहाँ पे भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। लाइक IDFC क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे एक एक रेफर में एक एक कस्टमर को अप्रोच करने में आपको 1/3 अर्निंग होने वाला है। सो दोस्तों इसलिए आपको मैं शुरू से बता देता हूँ, आपका EGP आईडी लेना बहुत जरूरी है अगर आपका कोई साइबर कैब है या कि कोई ऑनलाइन शॉप है या फिर इस तरह से अर्निंग करना चाहते हो कोई मोबाइल रिचार्ज का दुकान है, तो आपके लिए EGP का आईडी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर सर्विस तो बहुत ही ज़्यादा सर्विस है एंड खासकर इसका अर्निंग भी अच्छा है, इसका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है। अगर आप चाहते हो EGP का बिल्कुल फ्री आईडी में लेना है तो
वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो। आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड पड़ेगा वो आपको मैं बता दूंगा। सिंपली आपको डॉक्यूमेंट्स को मुझे सेंड करना है, आपका 10 मिनट के अंदर अंदर आपका इजी पे का डिटेल आईडी मैं दे दूंगा। उसके बाद आपका आईडी को लॉग इन करके केवाईसी करके आप आने को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ दिन काम करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो। आपका आईडी आप 590 रुपीस में आपका आईडी को प्राइम में अपडेट करोगी या नहीं करोगी वो आप खुद का डिसीजन है। आप किस तरह से बिजनेस को देखोगी, किस तरह से आप बिजनेस को इम्प्रूव करोगी उसके ऊपर डिपेंड करके आपका आईडी अपडेट करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो दोस्तों इसके बाद भी कुछ भी क्वारीज है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।